dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you in the world of economics for SYSE Commerce and Arts, Chapter 1, Part 4. Friends, till now, we have covered the topic of meaning, definitions, features and scope of microeconomics. Today we are on the last topic of the chapter for microeconomics is importance of microeconomics. In our last lecture, we have discussed कि दुनिया की हर वो चीज़ जो बुरी है, जो खराब है, जो गलत है, it does not mean कि वो काम की नहीं है. Even though microeconomics is based on certain conditions which are known as assumptions, and these conditions are not fulfilled in any situation, in every situation it is favorable, then too microeconomics is important to study. Now you will have one question कि सर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स गलत है, सब जगह पे फेवरेबल नहीं है, उसको स्टडी करने में हम टाइम क्यों वेस्ट करें. इन माय लास्ट लेक्चर आल्सो आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स कि सांप का पॉइजन बहुत खराब चीज है फिर भी काम का है, दारू जब दवा के साथ मिल जाए तो दवा दारू बन के मेडिसिनल कंपाउंड हो जाता है. सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज सम इम्पोर्टेंस. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. Our first point is useful to the government. Friends, microeconomics helps the government in framing economic policies such as taxation policy, price policy, public expenditure policy, etc. It helps the government in promoting welfare of the economy. आप बोलेंगे सर जो microeconomics इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता हो वो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा. हाँ, सुनने में जरूर यह कुछ अलग सा लगता है. क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक या दो इंसान की वजह से गवर्नमेंट अपनी टैक्स की पॉलिसी चेंज करे, अपने बिजनेस के रूल्स या नॉर्म्स चेंज करे? बट इट हैपन. फ्रेंड्स, इन सब चीजों को समझने के लिए वी शुड हैव सम हाइपोथेटिकल केस स्टडीज. ये वो एग्जाम्पल्स होते हैं जिसका कोई रिटर्न प्रूफ हमें नहीं मिलेगा. मेरे टीचर्स के पास से मुझे सुनने को मिला, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. यस, ये वो सब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल आपको ना कोई गूगल देव था, ना कोई फेसबुक, ना कोई व्हाट्सएप देवी. ओके, ये सबसे नहीं मिलता है और ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. ये इतने मजेदार एग्जाम्पल होते हैं कि इतना मजा आपको शायद आईपीएल में भी नहीं आएगा. ये सब चीजें सिर्फ पीआईएल प्रशांत सर इंटेलिजेंट लेक्चर बस इसी में मिलेगी. जस्ट पार्ट ऑफ किडिंग. फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कोई एक चीज से, कोई इंडिविजुअल से क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट के पॉलिसी में? फर्क पड़ता है फ्रेंड्स. लेट मी शेयर वन एग्जाम्पल विद यू. ये बात काफी सालों पुरानी है, इवन बिफोर माई बर्थ. ये उन दिनों की बात है फ्रेंड्स जब लोगों की मंथली सैलरी 50 रुपए के आसपास होती थी. फ्रेंड्स, कल्याण के रेलवे स्टेशन पे दो बेस्ट फ्रेंड्स सालों के बाद मिले. बात में से बात निकली, पता चला दोनों वकील बन चुके थे. दोनों ने सोचा कि अगर हम दोनों पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें तो 6 महीने में लखपति बन सकते हैं. फ्रेंड्स, उन दिनों में लखपति का मतलब आज के करोड़पति से भी कहीं ज्यादा होता था. दोनों ने वहीं पर बैठ के एक नया आइडिया निकाला. उस वक्त कल्याण से सीएसटी, जिसका उस वक्त नाम वीटी स्टेशन था, कल्याण से सीएसटी तक का मंथली रेलवे पास 30 रुपए का था. उन्होंने एक नया क्रिएटिव आइडिया लाया. स्टेशन से थोड़ी दूरी पे एक छोटे से छपरे के नीचे बैठकर एक टेबल और दो कुर्सी लगाया और एक पाटिया मार दिया, गेट मंथली रेलवे पास फ्रॉम कल्याण टू वीटी जस्ट इन ₹15 एंड गेट ब्रिंग 2 फोटोग्राफ्स विथ यू. दूसरे ही दिन बाहर लंबी लाइन लग गई.
क्योंकि 30 रुपए के मंथली पास के बदले यहां पे सिर्फ 15 रुपए में पास लेना था। फ्रेंड्स उन्होंने किया क्या था, नोटबुक के जो कवर पेज होते थे उनके स्मॉल पीसेस कट करके उनको पास जैसा बना दिया। जो भी बंदा आता था उनसे 15 रुपए लिया जाता था, उनके दो फोटोग्राफ लिए जाते थे, एक फोटो को उस पुट्ठे पे चिपकाया जाता था और एक फोटो उनके पास रहता था और 15 रुपया ले लिया जाता था। उनको ये कहा जाता था कि नाउ यू शुड नॉट बाय एनी टिकट और पास फ्रॉम रेलवे। लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, उनके 15 रुपए बच रहे थे। नाउ वन क्वेश्चन कि क्या ये पास वैलिड था? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, पर एक बात क्या थी कि एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म पे आती है अगर 100 लोग भी उसमें से उतरते हैं तो मैक्सिमम टीसी जो होंगे स्टेशन पे वो तो 2 ही होंगे। अगर 2 टीसी 2 लोगों को पकड़ भी ले, उनके लिए रिसीप बनाए, तब तक बाकी के 98 लोग वहां साइड से निकल लेंगे। तो अगर एक दिन में सपोज 100 लोग भी ये पास बनाते हैं तो इनको कमाई हो रही थी 1500 रुपए की। अगर एक दिन में 10 लोग भी पकड़े जाते हैं तो 50 रुपीज पर हेड की पेनल्टी के हिसाब से 500 रुपया पेनल्टी का होता था। इन्होंने ये रूल रखा था कि अगर आप पकड़े जाते हो तो आप पेनल्टी पे कर दो और वो रिसीप हमें लाके दे दो और हमारा कार्ड हमको दिखाओ, वी विल गिव यू 50 रुपीज बैक। तो कंज्यूमर को, पब्लिक को कोई पेनल्टी अपनी जेब से नहीं जा रही थी। तो आसान सा बात था कि पब्लिक को फायदा था। 3, 4, 5, 6 महीने तक ये बात चलती रही, दे बिकेम लखपति ऑफकोर्स। आफ्टर सम ऑफ द मंथ्स जब रेलवे डिपार्टमेंट को ये समझ में आया कि उनकी ऑथोरिटी के पास कोई खरीद नहीं रहा है, तो इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई इसकी इंक्वायरी के लिए। 2 ऑफिसर्स इसकी रिसर्च में लग गए। जब उन तक ये बात पहुंची कि कोई 2 बंदे पार्टनरशिप में ऐसा एक इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे जाकर उन्होंने वही 2 पास बनवाए अपने लिए। जब पूरी बात समझ में आई तो उनको अरेस्ट किया गया, लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने ये केस दाखिल हुआ। मैजिस्ट्रेट ने दोनों बंदों को पूछा कि डू यू फील गिल्टी, इट्स अ फ्रॉड केस। दोनों ने कहा सर हम भी वकील हैं, कायदे हम भी समझते हैं, हमें ये समझाइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एनी इंडियन सिटीजन कैन परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी बट द कंडीशन इज इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू एनी अदर इंडियन सिटीजन। सर हमारे इस बिजनेस से पब्लिक को 15 रुपए का पर मंथ फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो किसी को नहीं है। बात तो सच थी। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 महीने के लिए इस केस को मुलतवी रखते हैं, लेकिन ये 2 महीने आप मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जाओगे और ये 2 महीने आप ये काम भी नहीं करोगे। दोनों ने अग्री कर लिया, बोले कोई बात नहीं है, ऐसे भी हम लखपति बन चुके हैं। इन 2 महीनों में मैजिस्ट्रेट ने हायर ऑथोरिटी तक ये केस समझाया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज के सामने केस गया, केस की अहमियत समझ में आने लगी क्योंकि एक्चुअली इट्स अ फ्रॉड बट कॉन्स्टिट्यूशन के वर्डिंग के हिसाब से कोई फ्रॉड नहीं था क्योंकि यहां पे किसी को हार्मफुल कुछ नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज ने एक पैनल बिठाई और यह समझाया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लोज में कुछ अमेंडमेंट लाके चेंजेस किए जाए, वो जो कायदा हमें बता रहे क्यों ना उस कायदे को ही बदलाया जाए। कायदा उन्होंने जो बताया वो ये था कि एनी इंडियन सिटीजन कैन परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी बट द कंडीशन इज इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू एनी अदर इंडियन सिटीजन। इस क्लोज में 2 वर्डिंग एड किए गए जहां पर लिखा गया इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है तो पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये बिजनेस हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आफ्टर 2 मंथ्स जब ये केस रीओपन हुआ, मैजिस्ट्रेट ने आज दोनों वकीलों को बुला के कहा कि आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं विथ अमेंडमेंट जहां पे लिखा गया है कि एनी इंडियन सिटीजन कैन परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी बट द कंडीशन इज इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू एनी अदर इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। नाउ इट्स अ फ्रॉड केस, नाउ डू यू फील गिल्टी?
दोनों वकीलों ने कहा, सर अगेंस्ट जरूरी, क्यों गिल्टी? हम दोनों वकील हैं, कायदे हमको भी पता है। सर हमें यह भी पता है कि अगर आप कोई कायदे में अमेंडमेंट लाते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो आपने जरूर किया होगा, जिसमें डेट भी मेंशन करना पड़ता है। तो आपने डेट भी मेंशन किया होगा, सर बताएंगे वो डेट कौन सा है? मैजिस्ट्रेट का यस श्योर, बिफोर 15 डेज। बोले सर आपने 2 महीने से हमारा बिजनेस बंद करा के रखा है, तो जब ये कायदा बना तब हमारा बिजनेस नहीं था, जब हमारा बिजनेस था तब ये कायदा नहीं था। अल्टीमेटली इट्स नॉट अ फ्रॉड केस। फाइनली दोनों वकीलों को मुंबई के बाहर भेजा गया विद देयर प्रॉपर्टी राइट्स एंड मनी। फ्रेंड्स, क्या आज मैं और आप ये बिजनेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि अब ये कायदा बदला जा चुका है। बट बिकॉज ऑफ जस्ट 2 लॉयर्स, इंडियन गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े। सो दिस इज द प्रूफ के इवन दो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक सम चेंजेस इन आवर टैक्स पॉलिसी, इन आवर प्राइस पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट। दैट वॉज अवर फर्स्ट पॉइंट, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अवर सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस डिसीजंस। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी हेल्प्स इन टेकिंग सम बिजनेस डिसीजंस लाइक प्रोडक्शन लेवल, कंजम्पशन लेवल, प्राइसिस ऑफ कॉमोडिटीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। हर छोटे से छोटे कंज्यूमर को, हर छोटे से छोटे प्रोड्यूसर को भी ये अपने डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अगेन वन मोर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, जिसके कोई प्रूफ हमें नहीं मिल सकते। फ्रेंड्स, ये भी कुछ सालों पुरानी बात है। मुंबई के एक बिजनेसमैन का लड़का यूके के इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की स्टडी करने गया था। वहां पे हॉस्टल में ऑल 7 डेज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वेज बर्गर आता था, जो खाके वो पक चुका था। उसने हॉस्टल में कंप्लेन किया। हॉस्टल वाले ने कहा कि हमने पूरे साल के लिए एक बेकरी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। उस बच्चे ने बेकरी का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर वहां पे अप्रोच किया, उनको जाके कहा कि मुझे आपके बिजनेस प्रपोजल के बारे में कुछ समझना है, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं वो मुझे समझना है, कुछ उसको स्टडी करना है। तो बेकरी के ओनर ने बिठा के कहा, देखो हम लोग 5 लोग हैं, इस एरिया में 4 बड़ी-बड़ी हॉस्टल है, और चारों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, हम पूरे साल उनको वेज बर्गर प्रोवाइड करने वाले हैं। 5 लोग मिलकर दिन के 3 घंटे काम करके हम आसानी से अपना प्रोस्पेक्ट पूरा कर पाते हैं और साल भर में 2.5 लाख पाउंड कमा लेते हैं। जैसे ही उस स्टूडेंट ने अमाउंट में 2.5 लाख पाउंड कमा लेते 3 घंटे काम करके 5 लोग मिलकर, इसके दिमाग में एक सनसनी आ गई। उसने इंजीनियरिंग का स्टडी छोड़ दिया, वापस मुंबई आके पापा को कहा कि मुझे 6 लाख रुपए चाहिए और ये 6 लाख रुपए मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूंगा। पापा ने कहा, बेटा 6 लाख रुपए तो मैं दे दूं, पर ऐसा कौन सा बिजनेस है कि तू 6 महीने में 6 लाख रुपए वापस भी कर पाएगा? बोले, पापा मैं प्रोफेशनली वड़ा पाव का बिजनेस करूंगा। पापा की हंसी निकल गई, बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के वड़ा पाव? बीएमसी वाले आके रोज लकड़ी मारेंगे, तेरी शादी की उम्र हो जाएगी, कोई लड़की नहीं देगा। बोले, पापा बीएमसी वाले लकड़ी नहीं मारेंगे, सलाम मारेंगे, और लड़कियों की तो लाइन लगा दूंगा शादी के लिए। फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस को आप हर कोई पहचानते हो, इट्स जंबो किंग। दादर, अंधेरी, वाशी, ऐसे स्टेशन के सामने एक छोटा सा आउटलेट शुरू किया गया। 2 बंदे सुबह 4 बजे के आसपास वड़ा तल के निकल जाए, फिर एक बंदा टोपी पहन के पूरा दिन खड़े रहे और आप जब भी मांगो ओवन में डाल के गर्म करके वड़ा पाव दे दिया। मुंबई की भागदौड़ भरी लाइफ में ये वड़ा पाव एक बेस्ट ऑप्शन बन के बाहर आया।
आज इसके 32 से भी ज्यादा आउटलेट्स है। इसने लाइफस्टाइल के हिसाब से पूरा कॉन्टेस्ट चेंज कर दिया। एक वक्त था जब वड़ा पाव गरीब लोगों का खाना होता था, लेकिन आज पैसे वाले लोग चीज वड़ा पाव, सजवन वड़ा पाव ऐसे सब के लिए 50 रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वेज बर्गर इन यूके, ओके, हम आज वड़ा पाव के पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोफेशनली देख रहे हैं मुंबई में। तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू टेक थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस इन बिजनेस। दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, बिजनेस डिसीजंस। थर्ड पॉइंट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। इट ऑल्सो स्टडीज इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की तरफ जाए। फ्रेंड्स, मुंबई में इतना क्राउड है कि लोकल ट्रेन हमेशा कम पड़ती है। 9 डिब्बों की थी तभी कम पड़ रही थी, 12 डिब्बों की करो, 15 डिब्बों की करो, ये कमी पड़ती है। प्लेटफॉर्म पे पैर रखने की जगह नहीं है, ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं है, ये एक हकीकत है। फ्रेंड्स, जो लोकल ट्रेन के डिब्बे आज आप देख रहे हैं, ये स्पेन की देन है, ये डिजाइनिंग स्पेन की दी हुई है। इसके पहले की जो लोकल ट्रेन थी वो जर्मनी की देन थी। पर फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ा है? जब लालू प्रसाद यादव अपने रेलवे मिनिस्टर थे और जब उनके पास ये बात गई कि मुंबई में लोकल ट्रेन कम पड़ रही है, क्राउड ज्यादा होता है, तो उन्होंने एक मेल ट्रेन का स्टडी किया। द नेम ऑफ द ट्रेन इज फ्लाइंग क्वीन, फ्लाइंग रानी। फ्रेंड्स, आपने में बहुत बार सुबह 9:30 बजे के आसपास अंधेरी स्टेशन पे इस ट्रेन को देखा होगा। मुंबई टू सूरत एंड सूरत टू मुंबई, ये ट्रेन दिन में 2 बार ट्रैवलिंग करती है। फ्रेंड्स, इट्स अ डबल डेकर ट्रेन। ये इंडियन रेलवे की पहली डबल डेकर ट्रेन थी। इस डबल डेकर ट्रेन की खूबी यह है कि वही चौड़ाई, वही लेंथ एंड देन टू डिब्बे की जो कैपेसिटी है, इट्स नियर टू 132 सीटिंग कैपेसिटी इंस्टेड ऑफ 72 सीटर्स इन नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन। कोई एक भी कोना वेस्टेज नहीं गया है। फ्रेंड्स, जब लालू प्रसाद यादव के पास ये फ्लाइंग रानी का रिपोर्ट पहुंचा, उसे जब डिब्बे के अंदर का डिजाइन स्टडी किया, वहां से उसके दिमाग में बात आई कि लोकल ट्रेन के डिब्बे बढ़ाने से अच्छा है कि उसकी डिजाइनिंग चेंज की जाए। तो फ्रेंड्स, आज जो लोकल ट्रेन के डिब्बे आप देख रहे हैं, विंडो की स्पेस बड़ी कर दी गई है, दरवाजों की स्पेस बड़ी कर दी है, सीटिंग कैपेसिटी पहले 3 सीट एक बाजू, 3 सीट दूसरी बाजू, और 3 की सीट पे 5-5 लोग बैठते थे, अब उसको थोड़ा श्रिंक कर दिया गया, बीच में स्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई। 45-50 मिनट्स के ट्रैवलिंग में अगर स्टैंडिंग मिल जाए तो भी पीपल आर हैप्पी। तो अब क्या हो रहा है कि डिब्बा वही है, फिर भी स्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, तो मोर नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रैवल इन वन ट्रेन नाउ। फ्रेंड्स, आज की तारीख में मुंबई की लोकल ट्रेन में रोज के 6 लाख पीपल आर ट्रैवलिंग डेली। तो ये जो चीज है, ये कहां से आया? तो बोले फ्लाइंग रानी के एक डिब्बे को स्टडी करके आया। हम कैसे बोले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स काम का नहीं है? सो इट इज हेल्पफुल इन वेलफेयर डिसीजन फॉर द इकोनॉमी। दैट वॉज अवर थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ टू टेक वेरियस फॉरेन ट्रेड डिसीजंस एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, सच एज इफेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, एक्सचेंज रेट पॉलिसी एक्सेट्रा।
Now, what does it mean actually? Friends, स्मार्टफोन पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई, इसलिए स्मार्टफोन इंडिया में बहुत सस्ते मिलने लगे और नतीजा ये है कि आज की तारीख में आउट ऑफ 135 करोड़ पीपल मोर देन 80 करोड़ पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, क्योंकि उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम है इसलिए वो सस्ते हो गए तो लोग उसको खरीद पा रहे हैं। सच बताए तो आज हम कोविड 19 की क्रिटिकल सिचुएशन में बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन ओनली आज ये लेक्चर कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई स्मार्टफोन पे। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज रेट पॉलिसी? फ्रेंड्स, $1 इक्वल टू 70 रुपीज, $1 इक्वल टू 76 रुपीज, ये हमने बहुत बार सुना होता है। इसकी जो इफेक्ट होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, ये भी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये जो चीजें होती है ये सब स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी हेल्पफुल टू अस। ये सब चीजों को हम स्टडी करेंगे। दैट वॉज फॉरेन ट्रेड, अवर फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक मॉडल। ये वो मॉडल नहीं है जो कैटवॉक करते हैं रैंप पे चल के। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स, इक्वेशंस, टेबल्स, चार्ट्स, शेड्यूल्स, एग्जाम्पल्स। आप बोलेंगे सर ये तो हर सब्जेक्ट में होता है। नहीं फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स अपनी कोई बात हवे में नहीं होगी। वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, वी शुड हैव एग्जाम्पल, वी शुड हैव सम प्रॉपर कैलकुलेशन, वी शुड हैव सम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अपनी कोई बात विदाउट रीजन नहीं होगी। टेक एन एग्जाम्पल, हमें मैथ्स में जब कहा जाता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट वाई दैट फॉर्मूला वो हमें कभी नहीं सिखाया जाता। फ्रेंड्स, अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हमें ये कभी नहीं कहा जाता कि ये रूल कहां से आया। वाई डेबिट द रिसीवर, वाई क्रेडिट द गिवर? हमें तो ये भी नहीं कहा जाता है कि डेबिट का डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, अकाउंट्स पहले दिन से डेबिट वर्ड सिखा रहा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट? अगर ये किसी को भी पूछे तो दे डोंट हैव एनी आंसर। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में ऐसी कोई बात नहीं होगी। इकोनॉमिक्स ये भी समझाएगा कि डेबिट कार्ड को डेबिट कार्ड क्यों कहा जाए। व्हेन यू यूज डेबिट कार्ड तो आपके अकाउंट से ऑन द स्पॉट पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। That is why it is debit card. तो debit का मतलब होता है reducing the value of your asset. कोई भी assets का price कम होना, value कम होना, reduce होना, return of value. That is debit. Economics कोई बात without reason, without explanation, without example नहीं करता। हम जो भी discuss करेंगे वो सब के लिए हमारे पास example होंगे, table, charts, diagrams, graphs होंगे। That is economic मॉडल। दैट वॉज अवर फिफ्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, अवर सिक्स्थ पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। दिस इज द रिपीटेशन। यस फ्रेंड्स, इसके पहले मैं दो बार ही डिस्कस कर चुका हूं। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ द प्राइसिस ऑफ कमोडिटीज एंड वैल्यूज, प्राइसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर डिटरमाइन। इसके पहले भी बात हुई थी कि इफ यू आर परचेजिंग एनी कॉमोडिटी उसका कोई तो प्राइस है। अगर ये एक पेन में खरीद रहा हूं तो ये पेन का 70 रुपीज है, ये कहीं से तो आया है, राइट? फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू, इफ वी आर यूजिंग लैंड वी हैव टू पे रेंट, इफ वी आर कॉलिंग टू वर्कर्स टू वर्क वी हैव टू पे वेजेस। तो ये सब कहीं से तो आ रहा है। तो हाउ ऑल दीज थिंग्स आर डिटरमाइन, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एक्सप्लेन एनी सिंगल प्रोड्यूसर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस,
देयर इज नो एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. आज गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूसर पे फोर्स नहीं करती है कि आप एक दिन में कितने मास्क बनाएंगे या एक दिन में कितनी मेडिसिन बनाएंगे. नो वन कैन फोर्स मी कि मैं एक दिन में कितने लेक्चर लू. नो वन कैन फोर्स. तो इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. सो ऑल दिस डिसीजंस विल बी टेकन बाई प्रोड्यूसर themselves विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सिमिलरली एनी सिंगल कंज्यूमर कैन टेक एनी डिसीजन टू बाय एनी प्रोडक्ट बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो दैट वाज द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप आई एम हेल्पिंग यू इन योर इकोनॉमिक स्टडी इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन ऑल्सो. फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट and great feedback. Please give us feedback for this lecture also. I hope all of you are fine and healthy. Soon I'll approach you. Thank you so much.